सिक्किम में सेना के 23 जवान लापता। बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई है और तीस्ता नदी के सैलाब में लापता हुए हैं जवान। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सिक्किम के लहोनक झील के ऊपर बादल फटा है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, तीस्ता नदी में सैलाब आ गया है। सिक्किम के लोहनक का झील के ऊपर बादल फट गया है। सिक्किम में सेना के 30 जवान इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, एक बहुत बड़ा सेंटर यहां पर जो हमारे सुरक्षा बलों का है वो है, और तीस्ता नदी में बाढ़ आ जाना, 30 जवानों का लापता हो जाना वाकई में एक बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर और ज्यादा जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी जो शुरुआती जानकारी हमें मिल रही है, सिक्किम में सेना के 23 जवान लापता हुए हैं क्योंकि तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई है। तीस्ता नदी के सैलाब की वजह से ये जवान लापता हो गए हैं। जो लोहनक का झील है उसके ऊपर एक बादल फट गया और बादल फटने के बाद जो तबाही मची है उसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। सिक्किम का ये एक इलाका, आसपास आप देख रहे हैं हैवी कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही बादल फटा, तीस्ता नदी में बाढ़ आई और फिर बाढ़ का पानी उस पूरे इलाके तक पहुंचा और अभी भी यहां पर बारिश हो रही है। सेना के 23 जवान लापता बताए जा रहे हैं, इन पर भी अभी और डिटेल आनी बाकी है। लेकिन जरा शहर का हाल आप देखिए, सड़कों पर पानी भर गया है, जो शटर्स आप देख रहे थे वो दुकानों के शटर्स थे, अंदर भी पानी के साथ साथ मलबा दाखिल हो गया है। तो सड़क पर जलभराव की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इस बीच सिक्किम में ये जो बादल फटा है, तीस्ता नदी में बाढ़ आई है, उसकी वजह से 23 जवान लापता बताए जा रहे हैं। सिक्किम में सेना के 23 जवान लापता हैं। तीस्ता नदी के सैलाब में ये जवान लापता हुए। सिक्किम के लोहनक झील के ऊपर ये बादल फटा, ये तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीरें कि बाढ़ जैसी ये तस्वीरें सामने आई। बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में बाढ़ और सड़कों पर जलभराव हो गया है। लोगों को आवाजाही में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तीस्ता नदी के सैलाब में जवान लापता भी हुए हैं, जिस बीच 23 जवान के लापता होने की खबर सामने आई है। फिलहाल सेना का पहला प्रयास यही है कि जो उनके जवान लापता हो गए हैं उन्हें ढूंढा जाए, उनके तलाशी को लेकर अभियान जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।